नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपर फास्ट रिवीजन जीके जीएस मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन। और आज का जो हमारा पार्ट है पार्ट 16 है। जो लोग इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं तो आपको बता दें कि ऑलरेडी इसके 15 पार्ट जो है सार्थक क्लासेस में अपलोड किए जा चुके हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं देखा है और आप देखना चाहते हैं तो इसके लिए प्लेलिस्ट विजिट कर लीजिए यूट्यूब चैनल में, वहाँ पर आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जहाँ से पूरी सीरीज आप देख सकते हैं। देखिए, हमारा ऐसा मानना है कि लास्ट मोमेंट में जब आपके पास इतना पर्याप्त समय नहीं होता है कि आप अपने पूरे पाठ्यक्रम को सही से रिवाइज कर पाए, तो वन लाइनर के माध्यम से पूरे पाठ्यक्रम को रिवीजन करना एक बेहतरीन रणनीति हो सकती है। और निश्चित तौर पर अगर इस कड़ी को आप सही से फॉलो करते हैं तो एग्ज़ाम के दौरान में आप अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में कहीं अपने आप को बेहतर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 16 और देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों को वन लाइनर फॉर्म में। तो पहला पॉइंट है 751 नंबर पर, चिपको आंदोलन की जननी किसे कहा जाता है। तो चिपको आंदोलन की जननी गौरा देवी जी को कहा जाता है। वैसे देखिए, जो चिपको आंदोलन था इसे कभी कभी जो है महिला आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। हाइड्रोजन बम जैसा आप लोग जानते हैं कि नाभिक संलयन पर कार्य करता है, जबकि जो परमाणु बम होता है वो नाभिक विखंडन के आधार पर वर्क करता है। संलयन में छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, जबकि नाभिक विखंडन में ऐसा होता है कि जो नाभिक होता है भारी नाभिक छोटे छोटे नाभिकों में टूटता है। और इन दोनों ही प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी रिलीज पर ही हमारा जो हाइड्रोजन बम और परमाणु बम वो कार्य करता है। यानी एनर्जी जो यहाँ से रिलीज होती है वो बहुत अधिक मात्रा में रिलीज होती है, जिससे कि आसपास की चीज़ जो है तहस नहस हो जाती है। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल और इससे जुड़ी ग्रंथियों से बना होता है। भारत का प्रथम बजट जो प्रस्तुत किया था जेम्स विलियन ने 13 फरवरी 1860 में प्रस्तुत किया था, जबकि अगर हम स्वतंत्र भारत के प्रथम बजट की बात कर लें तो इसे 26 नवंबर 1947 को आर के खणमुखम चट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी शेरशाह के शासनकाल में। वह आय जो वास्तव में देश की जनता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त की जाती है उसे हम व्यक्तिगत आय के नाम से जानते हैं। और विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त, तो जैसे आप लोग जानते हैं कि जो मारियाना गर्त है वह विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। राजस्थान के थार मरुस्थल से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या कौन सा है। तो राजस्थान का जो थार मरुस्थल है वहाँ से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 है। हिंद यूनानी शासकों द्वारा भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। और भारत के आकस्मिक नीति का नियंत्रण राष्ट्रपति के पास होता है। किसने राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की थी। तो राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज गवर्नर सर जॉन चाइल्ड को पराजित कर भारत से निष्कासित कर दिया था। हाइड्रोमीटर द्वारा द्रव्यों के अपेक्षित घनत्व को ज्ञात किया जाता है। और दादा भाई नौरोजी जी सुब्रमण्यम अय्यर और आर सी दत्त भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। यानी इनका ऐसा मानना था कि भारत में उपनिवेशवाद नहीं होना चाहिए। किसके द्वारा स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था। तो कार्नवालिस के द्वारा या कार्नवालिस के शासनकाल में 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त लागू की गई थी। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक यानी पूर्ण रूप से भारतीय स्वामित्व वाला पहला जो बैंक था वो पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। सम्राट अशोक के राजा देशों का सर्वप्रथम विकूटन का कार्य जो है किया गया था जेम्स प्रिंसेप द्वारा 1837 में। जेम्स प्रिंसेप कौन थे। तो जेम्स प्रिंसेप एक ब्रिटिश पुरातत्वविद और इतिहासकार थे। भारत की किस नदी को बंगाल में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। तो जो गंगा नदी है उसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। किसे जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। तो पीटर पायर को जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। क्रूक्स कांच का प्रयोग धूप के चश्मे बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। भारत की प्रथम जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1818 ईस्वी में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण की जानकारी मिलती है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर जो आक्रमण किया था इसकी जानकारी हमें तमिल ग्रंथ, दो तमिल ग्रंथ हैं कौन कौन से, अहनानूर और पूर्णानूर, इनसे जानकारी प्राप्त होती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था। अशोक की लिपि का पता सर्वप्रथम टील पैंथर नामक विद्वान ने 1750 ईस्वी में लगाया था। भारत के महान्यायवादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है।
और वर्ष 1974 में यह नियम बनाया गया कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। किसकी खेती मुख्यतः शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है, जहाँ सामान्यतः 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। देखिए, कम वर्षा की फसल है आपकी, जैसे बाजरा, तो बाजरा की खेती की जा सकती है ऐसे स्थानों पर। जल धातुओं से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, यानी जल धातुओं से प्रतिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। खजुराहो के मंदिर को बनाने वाले राजा किस परिवार से थे? जैसा आप लोग जानते हैं, चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो के मंदिर का निर्माण कराया था। और किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? तो इतिहास का पिता यूनानी इतिहासकार हेरोडोटस को कहा जाता है। 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना अस्तित्व में आया था 2 जून 2014 को, जिसे आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया था। भारत में श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन जी। किसका नारा था? स्वराज विदेशी राज से सदैव अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो। तो यह कथन था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि जो विदेशी राज्य है वो विदेशी होता है, और जो स्वदेशी राज्य है, जो स्वराज है, उसमें वह जो है सदैव विदेशी राज्य से अच्छा होता है, और चाहे इसमें कितनी भी बुराइयां क्यों ना हो। भारत के लिए संविधान की रचना है, संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने दिया था 1934 ईस्वी में। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंत था, जो दो प्रांतों में विभक्त था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी, जबकि दक्षिणी अवंती की राजधानी माहिष्मती थी। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक सुशला, देखिए ये थोड़ा सा इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक, शिशुनाग वंश के अंतिम शासक नंदिवर्धन, और नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो धनानंद था। ऐतरेय ब्राह्मण में चार वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक मोरारजी देसाई, यानी मोरारजी देसाई जी की पुस्तक है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। हुगली नदी के किनारे रिसरा नामक स्थान पर जूट का पहला कारखाना वर्ष 1855 में खोला गया था। भारतीय संस्कृति के दक्षिण एशिया में प्रसार का हमें पता चलता है कंबोडिया के अंकोरवाट मंदिर से, और साथ ही साथ जावा के बोरोबुदुर मंदिर से। यानी जो जावा का बोरोबुदुर मंदिर है और कंबोडिया का जो अंकोरवाट मंदिर है, इससे भारतीय संस्कृति के दक्षिण एशिया में प्रसार का हमें पता चलता है। नाइट्रोजन की खोज डेनियल रदरफोर्ड ने 1771 ईस्वी में की थी। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभारत से लिखा था, शुंग काल में भारत में प्रथमतः पुर्तगालियों ने जो है सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे, यानी भारत में सर्वप्रथम सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किए गए थे। कंप्यूटर चिप, जैसा आप लोग जानते हैं, सिलिकॉन की बनी होती है, जिस पर विशेष प्रक्रिया से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं, यानी आईसी। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? तो यह हड्डी का एक रोग है जिसमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस में जो हड्डियाँ होती हैं बहुत कमज़ोर हो जाती हैं, जिसके कारण इनमें फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है। इस रोग में अस्थि खनिज तत्व की कमी हो जाती है और अस्थि की सूक्ष्म संरचना भी जो है नष्ट होने लगती है। किसने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था? तो महाराणा प्रताप जी ने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था में उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था राजा राम प्रथम ने। मदन मोहन मालवीय जी ने अगस्त 1923 में बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। और लास्ट में, इतिहास में किसे कुड़िक यानी प्रीत हंता के नाम से जाना जाता है? तो इतिहास में कुड़िक या प्रीत हंता नाम से अजातशत्रु को जाना जाता है, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके जो राज्य है वो प्राप्त किया था। तो ये 800 पॉइंट है, और जल्दी से इनको हम रिवीजन कर लेते हैं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप अगर वन लाइनर के माध्यम से तैयारी कर रहे हैं तो रिवीजन अवश्य देखें, यानी वीडियो कम से कम 2 बार आप ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि फैक्ट्स आसानी से एग्जाम के दौरान याद नहीं आते। इतना तो याद आता है कि हाँ भाई हमने कुछ पढ़ा था, क्या था, और फिर उस समय देखिए आपके पास समय नहीं होता है। अगर गलत आपको सही से याद नहीं आया, गलत होना है, तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप सही से रिवीजन कर लेंगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम हो जाएगा, और एग्ज़ाम के दौरान तो एक एक प्रश्न जो है आपके लिए मायने रखता है।
और अगर अभी तक आपने सार्थक क्लासेज ऐप नहीं डाउनलोड किया तो आप डाउनलोड कर सकते हैं, स्टोर सेक्शन में विजिट करके आप वहाँ से CKGS का कोर्स भी अवेल कर सकते हैं। तो जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी, सॉरी अभी और पीछे स्टार्टिंग से इसको रिवाइज करते। चिपको आंदोलन की जननी कहा जाता है। गौरा देवी को हाइड्रोजन बम नाप के संलयन पर कार्य करता है, जबकि परमाणु बल नाप के विखंडन पर वर्क करता है। मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नाल और इससे जुड़ी ग्रंथियों से बना होता है। भारत का प्रथम बजट जेम्स विल्सन ने 13 फरवरी 1860 में, जबकि स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट 26 नवंबर 1947 को आर के खनमुखम चिट्ठी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। मलिक मोहम्मद जैसी ने पद्मावत की रचना शेरशाह के शासनकाल में की थी। वह आय जो वास्तव में देश की जनता द्वारा एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त की जाती है व्यक्तिगत आय कहलाती है। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय गर्त मारियाना गर्त है। राजस्थान के थार मरुस्थल से गुजरने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 है। हिंद यूनानी शासकों द्वारा भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के चलाए गए थे। भारत के आकस्मिक मृत्यु पर राष्ट्रपति जी का जो है नियंत्रण रहता है। राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि थी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। औरंगजेब ने ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल सर जॉन चाइल्ड को पराजित करके भारत से निष्कासित कर दिया था। हाइड्रोमीटर द्वारा द्रवों के अपेक्षित घनत्व को ज्ञात किया जाता है। दादा भाई नौरोजी जी सुमनराम अय्यर और RC दत्त भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। स्थायी बंदोबस्त लागू की थी कार्नवालिस ने 1793 ईस्वी में। पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। सम्राट अशोक के राजादेशों का सर्वप्रथम विकुटन का कार्य जो किया गया था जेम्स प्रिंसेप के द्वारा 1837 ईस्वी में, जो कि ब्रिटिश पुरातत्वविद और इतिहासकार थे। भारत की वह नदी सॉरी भारत की किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, तो गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है। पीटर पायर को जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत का प्रतिपादक माना जाता है। क्रूक्स कांच का प्रयोग धूप के चश्मे बनाने के लिए इसलिए किया जाता है क्योंकि यह जो क्रूक्स कांच होता है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। भारत की प्रथम जीवन बीमा कंपनी ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी थी, जिसकी स्थापना 1818 ईस्वी में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण भारत पर आक्रमण की जानकारी हमें तमिल ग्रंथ अहनानूर और पूर्णानूर से प्राप्त होती है। अशोक की लिपि का पता सर्वप्रथम टील पैंथर नामक बुद्धा ने 1750 ईस्वी में लगाया था। भारत के महान आबादी को भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होता है और वर्ष 1974 में यह नियम बनाया गया था कि मरणोपरांत किसी को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। बाजरा की खेती मुख्यतः शुष्क जलवायु वाले क्षेत्रों में होती है, जहाँ पर सामान्यतः 50 सेंटीमीटर इससे कम वर्षा होती है। जल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है और खजुराहो के मंदिरों को चंदेल वंश के शासकों ने बनवाया था। और हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जो कि यूनानी इतिहासकार थे। 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की थी। भारत का 29वां राज्य तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया था, जिसे आंध्र प्रदेश को विभाजित करके बनाया गया था। भारत में श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन को माना जाता है। स्वराज विदेशी राज्यों से सदैव अच्छा होता है, चाहे उसमें कितनी भी बुराइयां क्यों न, ऐसा माना था स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। भारत के लिए संविधान की रचना है संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में दिया था। उज्जैन का प्राचीनतम नाम अवंत था और यह 2 प्रांतों में विभक्त था, उत्तरी अवंत और दक्षिणी अवंत। उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैनी थी, जबकि दक्षिणी अवंत की राजधानी माहिष्मती थी। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक, शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे वो नंदीवर्धन थे और नंद वंश के अंतिम शासक धनंद थे। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक मुरारजी देसाई जी हैं। हुगली नदी के किनारे रिसरा नामक स्थान पर जूट का पहला कारखाना वर्ष 1855 में खोला गया था। भारतीय संस्कृत के दक्षिण एशिया में प्रसार का पता कम्बोडिया के अंकोरवाट मंदिर और जावा के बोरोबुदुर मंदिर से पता चलता है इस बात का। नाइट्रोजन की खोज की थी डेनियल रदरफोर्ड ने 1771 ईस्वी में। पतंजलि ने शुंग काल में पाणिनी की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य लिखा था। भारत में प्रथमतः पुर्तगालियों ने सामुद्रिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए थे। कंप्यूटर चिप सिलिकॉन की एक पतली चिप होती है, जिस पर विशेष प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बनाए जाते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस हड्डियों का एक रोग है, जिसमें हड्डियों फ्रैक्चर का खतरा बढ़ जाता है क्योंकि इस रोग से अस्थि घनत्व की कमी हो जाती है और अस्थि की सूक्ष्म संरचना भी जो है नष्ट हो जाती है। महाराणा प्रताप ने भीलों को अपनी सैन्य व्यवस्था के उच्च स्थानों पर नियुक्त किया था।
तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राम प्रथम ने कराया था। मदन मोहन मालवीय ने अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। मौलाना हसरत मोहानी ने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था और अंत में इतिहास में किसे कुरीक यानी प्रीतहंता के नाम से जाना जाता है, तो अजात शत्रु को, क्योंकि अजात शत्रु ने अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके जो शासन सत्ता है उसे प्राप्त की थी। तो दोस्तों ये आज के फैक्ट थे, आज के वीडियो में इतना ही। हम आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।